हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई मेरा गाड़ी जो है 1,30,000 किलोमीटर चल चुका है। और भाई जैसे ही गाड़ी 1,10,000 किलोमीटर पार करती है ना, गाड़ी में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं, वो है क्लच प्लेट्स की। तो भाई ये जो है प्रॉब्लम हर किसी गाड़ी में आता है, जरूरी नहीं सिर्फ एक दो गाड़ी में, जो प्रॉब्लम है ना हर किसी गाड़ी में आता है 1,00,000+ किलोमीटर चलने के बाद। तो भाई क्या होता है, अगर आप अपनी गाड़ी क्लच प्लेट को टाइम टाइम ध्यान नहीं दोगे ना, टाइम टाइम आप गाड़ी के क्लच प्लेट को रिप्लेस नहीं करोगे, तो भाई एक टाइम ऐसा आता है कि आप अपनी गाड़ी को हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो, इस कंडीशन पे आपकी गाड़ी जो है डायरेक्टली चलना बंद कर देगी। अब अपनी गाड़ी पे गियर चेंज कर रहे हो, भाई गियर चेंज करने का फर्क ना आपकी गाड़ी के व्हील्स पे नहीं पड़ेगा, इंजन प्रॉपरली स्टार्ट होगा, लेकिन भाई आपकी गाड़ी जो है ना आगे नहीं बढ़ेगी चाहे कितना भी आप गियर इंगेज कर लो। तो ये प्रॉब्लम को जो है कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे गाड़ी का क्लच प्लेट को जो है टाइम से पहले चेंज कराया जाता है, कैसे जाना जाता है कि गाड़ी का क्लच प्लेट अब खराब होने वाला है, आपको जो है सब चीज क्लियर कर रहे हैं। और ताकि आपको जो कभी भी रास्ते में इनकन्वीनियंस ना हो, आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो और गलती से आपकी गाड़ी का क्लच प्लेट डेड ना हो। सो गाइस अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको जो है इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। गाइस अब बताता हूं, सो भाई क्लच प्लेट्स का कंडीशन जानना ना काफी ज्यादा इजी होता है। आप जो है इस क्लच पेडल से ही ना अपनी गाड़ी की क्लच प्लेट का कंडीशन पहचान सकते हो। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी का क्लच प्रेस करके देखना है। तो भाई क्या होता है, क्लच प्लेट अगर खराब होने वाला रहता है तो क्लच प्लेट जो है हार्ड हो जाता है। तो भाई आपको बस यही नोटिस कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी का क्लच प्लेट अभी तक हार्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो भाई क्या होता है, क्लच प्लेट जैसे ही हार्ड होगा ना, इसका मतलब ये है कि अभी गाड़ी का क्लच प्लेट जो है वॉर्न आउट हो चुका है। अब भाई गाड़ी का क्लच प्लेट जो खराब होता है, तो भाई दो चीज आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी, वो है बताता हूँ मैं। तो भाई क्या होता है, गाड़ी का जैसे क्लच प्लेट खराब होगा ना, अब गाड़ी जो आपको पिकअप जो है बहुत ज्यादा कम देने लगेगी। जैसे आपकी गाड़ी को आपको लग रहा है कि गाड़ी का पिकअप जो है काफी ज्यादा कम हो गया है और आप क्लच प्लेट प्रेस कर रहे हो, क्लच अगर प्रेस कर रहे हो तो आपको ना क्लच एकदम हार्ड लग रहा है, पहले काफी ज्यादा सॉफ्ट रहता था, अब जो काफी ज्यादा हार्ड हो गया। तो भाई इस कंडीशन पे आपको समझ जाने की आपकी गाड़ी क्लच प्लेट जो वॉर्न आउट हो चुका है, आपको जो इसको टाइम से रिप्लेस करवा देना। अगर रिप्लेस नहीं करोगे तो भाई आपको जो ये रास्ते में कहीं भी धोखा दे सकते हैं, आपको भरोसा नहीं है, चाहे आप चलते चलते चाहे वो 10 किलोमीटर भी चल सकता है, चाहे वो 1 किलोमीटर भी चल सकता है, भाई ये आपके ऊपर आपको जो टाइम टाइम चेक करना होता है। अब बता दो भाई क्लच प्लेट का रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है। तो भाई हर गाड़ी की कंपनी, हर कंपनी का क्लच प्लेट जो है अलग अलग कॉस्ट आता है। तो भाई मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर अपनी गाड़ी मान लो ये मेरी 1200 cc की मान लो पेट्रोल इंजन है, भाई 1200 cc का पेट्रोल इंजन का क्लच रिप्लेसमेंट का कॉस्ट जो आता है लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये का आता है। तो भाई मैं बताता हूँ, अगर आपके पास कोई जैसे कि Hyundai i10 ओन करते हो आप और आपको जो ओरिजिनल Hyundai का क्लच प्लेट अपने गाड़ी पे इंस्टॉल कराना है, तो भाई आपको जो है 4 से 5 हज़ार रुपये में विथ लेबर आपको जो कोई भी फिट करके दे देगा इजिली। तो भाई यही होता है क्लच प्लेट को ना पहचानना काफी ज्यादा जरूरी होता है क्लच प्लेट में। सो भाई एक ट्रिक और है जिससे आप पहचान सकते हो कि आपकी गाड़ी का क्लच प्लेट खराब है या नहीं है। तो भाई आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, जैसे आप एक्सेलेरेटर प्रेस करते हो, आप ये नोटिस करते हो कि आपकी गाड़ी का जो स्पीड है ना वो नहीं बढ़ रहा है, आपकी गाड़ी का आरपीएम जो काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो भाई क्या होता है, कभी भी अगर क्लच प्लेट का कंडीशन एकदम हेल्दी होता है तो क्या होता है, गाड़ी का स्पीड भी बढ़ता है, गाड़ी का आरपीएम भी बढ़ता है। लेकिन अगर गाड़ी का क्लच प्लेट खराब जाता है तो क्या होता है, गाड़ी का आरपीएम जो है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है और गाड़ी का स्पीड जो है कभी स्लो स्लो बढ़ता है। भाई ये चीज जो है जिससे आप पहचान सकते हो कि आपकी गाड़ी का क्लच प्लेट सही है या नहीं है, ये भी एक काफी अच्छा ट्रिक होता है क्लच प्लेट अच्छा है यानी पहचानने का। और भाई सो भाई एक चीज और, तो भाई मैंने बोला था कि आपकी गाड़ी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो जो 1,00,000+ किलोमीटर के बाद ही आते हैं, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी गाड़ी में जो क्लच का प्रॉब्लम है ना वो जो है आपके ड्राइविंग कंडीशन के ऊपर मेंटेन करता है। अगर आप अपनी गाड़ी एकदम प्यार से चलाते हो, ज्यादा स्पीड ड्राइव नहीं करते, रफ ड्राइव नहीं करते, तो भाई अभी गाड़ी का जो क्लच प्लेट है ना 1,00,000 या 2,00,000 किलोमीटर भी चल सकता है, 2,50,000 किलोमीटर भी चल सकता है, 3,00,000 किलोमीटर भी चल सकता है। लेकिन भाई क्या होता है, अगर आप एकदम रफ यूज करते हो तो भाई गाड़ी जो क्लच प्लेट है वो 50,000 किलोमीटर में भी खुल सकता है। तो भाई ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ड्राइविंग हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। भाई एक चीज और बता देता हूँ, एक मेरा फ्रेंड है जो जिसके पास Hyundai i10 वो ओन करता है, वो अपनी गाड़ी को प्यार से चलाता है, ज्यादा रफ यूज नहीं करता, लेकिन भाई फिर भी उस गाड़ी का जो क्लच प्लेट है ना 50,000 किलोमीटर में टोटली खत्म हो गया। तो भाई कभी कभी ना ये क्या होता है, आपकी ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर भी मतलब कि डिपेंड करता है। अपनी गाड़ी का क्लच प्लेट अगर बार बार अपनी गाड़ी का जो है गियर चेंज कर रहे हो, बार बार क्लच यूज कर रहे हो, क्लच दबके ऊपर पैर रख के चलाते हो, भाई अभी गाड़ी जो क्लच प्लेट है ना जल्दी खत्म हो जाएगा। भाई बस मेरे को यही शेयर करना था, गाड़ी का क्लच प्लेट जो है कैसे खराब होता है, कैसे चेक किया जाता है कि गाड़ी का क्लच प्लेट खराब है या नहीं है। तो इस आज छोटे मस्त वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको जो है इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। थैंक यू।